हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है उत्तराखंड के पांच जगहों के बारे में जहां आपको विजिट करना ही करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली जगह आ जाती है चौपटा। चौपटा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। ये रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगर आप चौपटा आना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए बस लेनी होगी। जब आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे तो वहां से आप चौपटा के लिए टैक्सी कर सकते हैं और आप चौपटा पहुंच जाएंगे। अगर आपको कैंपिंग और ट्रैकिंग करना पसंद है तो आपको चौपटा ज़रूर विजिट करना चाहिए। चौपटा अपने तुंगनाथ टेम्पल और चंद्रशिला टेम्पल की ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक बार आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको ऊँचे ऊँचे पर्वत, पहाड़, चोटियाँ देखने को मिलेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। अगर आप चौपटा आते हैं तो आपको तुंगनाथ टेम्पल, चंद्रशिला टेम्पल, देवरियताल, अत्रिमुनि केवन फॉल विजिट करना चाहिए। चौपटा इतना ज़्यादा सुंदर है कि आपको यहाँ चारों तरफ बर्फ़ और ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप दोनों का मज़ा साथ में लेना चाहते हैं तो आपको चौपटा ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो हमारी दूसरी जगह आ जाती है ओली, जो कि अपने स्नोफॉल, स्नो स्कीइंग और स्नो बोटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप ओली विजिट करना चाहते हैं तो आपको देहरादून, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से जोशीमठ के लिए डायरेक्ट बस करनी होगी। फिर आप जब एक बार जोशीमठ पहुंच जाएंगे तो आप वहां से ओली के लिए डायरेक्ट रोप वे राइड भी ले सकते हैं और टैक्सी भी कर सकते हैं। उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों में से बेहद ही खूबसूरत जगह ओली भी है, जहां आपको विंटर्स में चारों तरफ बर्फ के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। ओली में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए 7 और 14 डेज का स्नो स्कीइंग का कोर्स भी कराया जाता है। अगर आप ओली विजिट करते हैं तो आपको यहाँ रोप वे राइड, स्नो स्कीइंग, स्नो बोटिंग करने को मिल जाएगी। आप ओली आर्टिफिशियल लेक घूम सकते हैं, ओली कॉर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क भी विजिट कर सकते हैं। तो तीसरी जगह आ जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। चारों ओर आपको ग्रीनरी देखने को मिलने वाली है, फूलों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलने वाली है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख जाएंगे। तो अगर आप नेचर के साथ एक अनूठा कनेक्शन बैठा पाते हैं, नेचर में सुकून भरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स जरूर विजिट करना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर्स इतनी खूबसूरत जगह है कि इसे हम धरती पर स्वर्ग से कम नहीं कहेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश से बस से आप जोशीमठ पहुंचेंगे। जोशीमठ से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पर आप टैक्सी करके या फिर लोकल व्हीकल से गोविंद घाट पहुँचना होगा। जब आप गोविंद घाट पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको 9-10 किलोमीटर की घाघरे गाँव के लिए ट्रैकिंग करनी होगी। घाघरे गाँव से फिर वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैकिंग होती है। ये ट्रैकिंग का सफ़र इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, आपको इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने वाली। एक बार जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंच के आपको जो सुकून शांति का एहसास होगा, आपको सच में महसूस होगा कि आप प्रकृति की गोद में जैसे सुकून भरी सांस ले रहे हैं। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि की बात हो और मंदिरों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी चौथी जगह आ जाती है केदारनाथ धाम। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्त काशी तक के लिए बस लेनी होगी। अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा से केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं तो आपको फाटा तक जाना होगा, जहाँ आपको हेलीकॉप्टर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो आपको डायरेक्ट केदारनाथ धाम पहुँचा देंगे। अगर आप ट्रैकिंग करके केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको गुप्त काशी से आगे सोनप्रयाग आना होगा। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड पड़ता है। गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद होते हैं, तो आप मई से नवंबर के बीच कभी भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। हमारी पांचवी जगह आ जाती है बद्रीनाथ धाम, विष्णु जी के द्वारे। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रैकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए बस मिल जाएगी। एक बार जब आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आपको तप्त कुंड में स्नान करना होता है। तप्त कुंड की खासियत ये है कि इसका पानी गर्म होता है। कहते हैं कि तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। एक बार जब आप बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं तो बद्रीनाथ मंदिर परिसर के अंदर ही श्री आदिकेश्वर मंदिर है, उनके दर्शन करने चाहिए। उनके दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन पूरे माने जाते हैं।
तो ये थी उत्तराखंड की 5 जगहें जो मुझे पसंद है। आपको उत्तराखंड में कौन सी जगह पसंद है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा चैनल नया है तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ में अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।